हेलो एवरीवन, इन द लास्ट लेक्चर वी रीड अबाउट पेप्टिडाइजेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेप्टिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग प्योरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्योरिफिकेशन कोलाइडियल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में। सो आवर रीडिंग इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसके नियर अबाउट फोर मेथड हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आपका होता है डायलिसिस। ये डायलिसिस मेथड है। सेकंड मेथड है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड फोर्थ है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये फोर टेक्निक है जिसमें से आपका जो पहला और दूसरा टेक्निक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला हम लोग डायलिसिस का ही देखते हैं। तो डायलिसिस, अब डायलिसिस में चलिए पहले हम कोई कोलाइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्या है, फेरिक क्लोराइड है। इस फेरिक क्लोराइड का हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया है, इट मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया। तो आपको ये क्या दे देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल फ्रैक्ट प्लस HCl। यहाँ आप थ्री कर देंगे। ठीक है, देखिए थ्री हाइड्रोजन हो जाएगा और थ्री यहाँ सिक्स हो गया, तो यहाँ थ्री कर दीजिए आप। ठीक है, बाकी सब बैलेंस हो गया। देखिए हमारे पास क्या है, FeOH का होल फ्रैक्ट, मतलब ये आपका क्या होता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ये अपना कोलाइडियल सॉल्यूशन हो गया। और ये सीएल क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जब हमने कोलाइडियल सॉल्व क्रिएट किया है, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्रिएट किया, तो कैसे क्रिएट किया, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराया जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इम्प्योरिटी होता है, ये कोलाइडियल साल है। अब देखिए हमको इस FeOH होल HCl में से FeOH का होल अलग करना है, उसको HCl को रिमूव करना है। ठीक है ना, तो देखिए आप कह सकते हैं डायलिसिस डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडियल सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, हमने क्या करना है, एक वेसल ले लेना है। एक वेसल लेना मतलब कांच का एक इस टाइप से पॉट ले लेना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर इंटर करेंगे और यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, हम लोग वाटर फिल कर दिए हमने, ये क्या हो गया आपका, वाटर हो गया है। और इसमें जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन है, कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या है, FeCl3 और HCl। ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम क्या करते हैं, एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स में फिल कर लेते हैं। ये
एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होता है। इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में हम एपिथेलियल और एपिथेलियल को पढ़ते हैं। देखिए डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक बैग होता है, ए बैग ऑफ, ठीक है, ये एक बैग टाइप होता है। और ये एक बैग को क्या करते हैं हम लोग, पार्चमेंट पेपर से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन कैसा होता है, किसका बना होता है, पार्चमेंट, पार्चमेंट पेपर का बना हुआ होता है, ठीक है ना। पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, या आप एक सेलोफेन मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन ले सकते हैं। देखिए इनकी मेन को भी क्या होती है कि अपने से कोलाइडियल सॉल्यूशन को पास नहीं होने देंगे, ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको पास होने देते हैं। देखिए एक बैग हमने कर लिया है इस टाइप से, आपका एक बैग हो गया है, ठीक है। और इस बैग में क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन और HCl है, और इसको हम लोग किसी के सपोर्ट से ऐसे फिक्स कर देते हैं। देन अब देखिए इस वाटर में हम लोग क्या करते हैं, इसको डुबा देते हैं। ये आपका क्या है, वाटर है, डिजिटल वाटर है, ये आपका डिजिटल वाटर है, ठीक है। इस डिजिटल वाटर में हमने क्या किया है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के बैग को लटका दिया है। तो ये क्या होता है, बैग ऑफ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, और यहाँ से वाटर आपका क्या हो जाता है, बाहर आता रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब इस मेम्ब्रेन वाले बैग को इस वाटर में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो इसमें जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन और HCl है, इसमें से आपका HCl क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से पास होने लगता है, बाहर जाने लगता है, जिससे ये HCl इसमें आ जाता है। बाकी आपका जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जो शिक्षा होता है, जो कि कोलाइडियल सॉल्यूशन, वो इसी में कंटेन रहता है। बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस टाइप से, ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक इलेक्ट्रोड हो गया जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। आप देखिए जब हमारा HCl जो यहाँ आके वाटर में मूल रहा है, तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ निगेटिव HCl जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव है तो H प्लस यहाँ जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ इस बैग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल कर निगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल पर और पॉजिटिव वाला निगेटिव टर्मिनल पर जाता है, जिससे ये क्या होता है, आपका जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है वो प्योरीफाई हो जाता है। और देखिए ये जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इसकी मेन को भी ये होती है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है या जो मोमेंट होता है आयंस का, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन बी इंक्रीज बाय द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू टू इलेक्ट्रोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीज कर सकते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, आप इलेक्ट्रो डायलिसिस बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। ये मेथड क्या है, देखिए तब तक हम इसको डायलिसिस बोलते हैं जब तक हमने एक इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया है, बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड का यूज़ कर दिया इसको, ये आपका क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रो डायलिसिस हो गया है, ठीक है ना। देखिए इस प्रोसेस में क्या किया हमने, एक ग्लास वेसल ले लेना है, ठीक है। इस वेसल में क्या करना है, एक डायलाइजिंग बैग में कोलाइडियल सॉल्यूशन और इंप्योरिटी को फिल कर देना है। देन इसमें वाटर रहेगा। अब इसको क्या इस टाइप से फिक्स करते हैं कि वाटर के काउंटर में आ जाता है। तो वाटर के काउंटर में जब ये आता है, तो इसमें से जो HCl है, वो HCl धीरे धीरे क्या होता है, इस वाटर में आने लगता है। बट ये प्रोसेस धीमी होती है। इस प्रोसेस को हम लोग जब तेज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ जाएगा, दो इलेक्ट्रोड लगाना पड़ जाएगा। और ये जब दो इलेक्ट्रोड आ जाएंगे, तो जो HCl है, HCl का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव टर्मिनल पर कंटेन होने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो
कोलाइडियल सॉल्यूशन है और जल्दी से प्योरीफाई हो जाता है। तो बेटा ये रहा आपका डायरेक्ट प्रोसेस, हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे जब हमने इलेक्ट्रोड का यूज़ किया। तो बेटा ये रहा आपका प्योरीफिकेशन। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।